तेरे नाल नहीं हो सकता है। यानी कि लोग यही कहते कि भाई तू हाफज है तो तेरे नाल मसला पेश आ ही नहीं सकता। जी मैं जानते रहे हैं जी उन्होंने कोल तो उन्होंने कहना कि जी तेरे नाल जिन्न है तेरे नाल बाहर दी यानी कि पड़ी है कुछ चुड़ेल है। जिथे किसी ने दसिया कि जी उ बैठता अल्लाह का बंदा वो को जाना तो उन्हें कहना हाँ भी तेरे नाल यह मसला है जिन्न है तेरे नाल चुड़ेल है तो उन्हें तेन जरा ना काबू किए दा लेकिन इलाज जरा वो नहीं नहीं हो सके। बीमार हो गए हाँ जी हिफ्ज तो बाद जी यानी कि दो साल पहले की गल है तो मैं यानी कि दवाई यानी कि खाता रहा तो यह दवाई जी कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं लोग मोटे होने वास्ते वही इस्तेमाल किए तो उस तो बाद फिर सेहत कुछ जरा ना ठीक नहीं रही काफ़ी यानी कि बीमार रहा डॉक्टर को बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। महसूस की होता सी तकलीफ की होती सी? मैनू तकलीफ सी अपना बीमारी यह सी कि जी मैं यानी कि घर बैठे दा जो बैठे दा सी मैनू इस तरह लगता है कि जिस जिवें मेरा दिल है ना जरा दिल मेरा फट जाना मेरा पेट भी जरा ना पेट च दड़ दड़ दिल में दड़ दड़ बहुत ज़्यादा इंज लगता जिम्मे पेट भी फट जाना और दिल भी जरा भी फट जाना। हाँ जी ए, हर वक्त ही इस तरह महसूस होता थी या किसी किसी वक्त यानी कि किसी किसी वक्त यानी कि सुबह यानी कि हो सकता दौड़ा पै जाए या दोपहर में ये दिन के एक दो दफा इस तरह हो जाता है। डॉक्टर की दफ्तर डॉक्टर ने जी यानी कि जिते किसी ने दसा कि जी उ डॉक्टर है बड़ा अच्छा वो को जाना उन्हें अपने डॉक्टर ने जो भी टेस्ट समझने हर डॉक्टर ने अपने टेस्ट लेने तो उन्होंने टेस्ट के हिसाब में जी कहना कि जी मेजे का मसला या जिगर का अपने उन्होंने टेस्ट लैके तो उन्हें दवाई तो कोई ना कोई दे देनी तो दसना कुछ नहीं उन्होंने कहना कि ठीक है दवाई खाओ ठीक हो जाएगी फर्क नहीं पड़ना फर्क कोई नहीं यानी कि डॉक्टर कोई नहीं छड़िया हर डॉक्टर को गए हाँ दवाई खाधी लेकिन फर्क कोई नहीं। कोई लाहौर भी गए? हाँ जी लाहौर भी तकरीबन जनाह अस्पताल भी म्यू अस्पताल जनरल लाहौर के भी तकरीबन सारे अस्पताल जड़े ने उत्थे गया चैकअप भी करवाया तो दवाई उन्होंने कहना कि जी ठीक है उन्होंने दसना कि जी यह मसला है मसला उन्होंने दवाई लिख देनी कि दवाई खाओ ठीक हो जाएगी। मेन स्पेशलिस्ट किसी को गए उन्होंने टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह किए? जी जी लाहौर यानी कि फिर गए म्यू अस्पताल गए उत्थे जरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उन्हें कहा कि तुम अल्ट्रासाउंड करवाया कहा कि नहीं अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया हजे उन्होंने कोई टेस्ट भी लिख के दिते उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी दी तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं लेकिन फिर लाहौर ही ठहरे कुछ दिन तो फिर दोबारा मसला ही आ गया फिर फौजी फाउंडेशन गए उत्थे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर उन्होंने दिखाया तो उन्होंने टेस्ट सारे किए उत्थे जा पता चले कि बीमारी तो कोई नहीं है अल्ट्रासाउंड के टेस्ट भी कोई नहीं। दवाई जी उन्होंने देती वो आप ही ने मोबाइल के उपर सर्च करके देखा ना कि दवाई है जी इसका की फंक्शन है तो वो दवाई जो देखा तो दवाई सी कि जी जहनी तौर के उ अगर कोई बंदा यानी कि परेशानी का या इस तरह का कोई को मसला दवाई वो आप ही ने कहा कि सिस्टम ने कहा दवाई तो जहनी तौर के उपर अगर कोई बंदा मसला उन्होंने तो वही दवाई है जहनी बीमारी वो दवाई है तो वो दो तीन माह वो भी कहने मैं खाता रहा जिनी गल नहीं पता घंटाले भी गए शकरगढ़ भी एक दो अदाले से उन्होंने भी गए तो आराम कोई नहीं।
फिर अबू दे सी अपना वाल साहब दे एक जानन वाले सी शाह साहब तो यानी कि अबू ने कहा कि तुसी उन्हां को जाओ तो उन्हां तुसी जाके दे अपना मसला जरा दसो सारा ही तो वो तुहानू जरा ना तुहाडा इलाज करनगे। तो मैं फिर गया अपना शाह हुणां को तो उन्होंने मैनू पाण वास्ते जरा ना दिता देखा मेरा मसला सारा ही तो उन्होंने दसा कि भाई तेरे नाल इस तरह गंदे असरात ने बाहर दे इस तरह। तो वाल साहब ने जो शाह साहब को भेजा मैनू तो उन्होंने अपना सारा देखा जो तुम दसा कि तेरे नाल चड़ेल जी है एक वो पिछा तेरा लग करती पी है वो तेन तंग करती पी है। तो उन्होंने सारा देख के उन्होंने पाण वास्ते मैनू अलादा भी किया पाण वास्ते एक धागा भी दिता और पीने वास्ते पानी भी दिता सबक भी दसिया। तो उस दिन तो बाद शुक्र अल्लाह पाक दा कि मैनू वो मसला दोबारा नहीं होया। सबक जरा उन्होंने दसिया कोई सूरत दिती कोई आयत दिती या कोई इस तो हट के कोई चीज़ पढ़ना से दिती जी कुरान दे कुरान की सूरत ही दसिया उन्होंने मैनू कि यह सूरत है जी तुसी ये तलावत करनी है ये तलावत करके दम करके पानी पीना और दूसरा जरा पानी सी तवीज़ वाला वह भी अपना तवीज़ भी मैं दिता धागा करके वह भी मैं पाया। तो उस तो बाद मैनू शुक्र अल्लाह पाक दा कि मैनू मसला दोबारा नहीं होया। उस तो बाद जिहड़ा सी तुहानूं महसूस हुंदा सीगा कि मेरा दिल फट रहा है मेरा पेट फट जाएगा उस तो बाद ते नहीं फिर होई नहीं वो यानी कि शाह साहब को जाने तो बाद जो मैं सबक दसिया उन्होंने मैं सबक पढ़िया और दूसरा जिक्र का भी दसे पानी भी मैं पीता तो अज का दिन कल का दिन दिन ब दिन बेहतरी आई मैनू पता ही नहीं चलिया कि किस टाइम यानी कि मेरा ठीक हो गया मैं वो मसला दोबारा पेश नहीं आया। जेनी तौर भी मैनू वो जरा अलाला करके दसिया मैं पढ़िया जेनी तौर के उत्ते भी मैं ठीक हो गया और दिल वाला और जरा मेरा दुख मसले से कि मेरा ढिड यानी कि पेट फट चलिया या मेरा दिल दर्द बहुत ज़्यादा दिल फट जाना वह भी अपना शाह साहब ने जरा मैं दसिया पढ़न वाला आयत कुरान दसियाँ पढ़िया पानी पीता तो वो मैं ठीक हो गया।